हमें 2022 में एंटर करते हुए बस चंद ही दिन हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में गेमिंग वर्ल्ड में काफी हलचल हुई है। गेमिंग के मामले में ये साल काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। काफी गेम्स अनाउंस किए गए हैं और काफी गेम्स का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज हम उन गेम्स पे नजर डालेंगे जो 2022 के फर्स्ट हाफ में रिलीज होने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए हमारे नए काउंटडाउन के लिए, टॉप 10 अपकमिंग गेम्स इन 2022। नंबर 10 पर है पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस। ये गेम 28 जनवरी 2022 को रिलीज हो जाएगा। ये गेम पुराने पोकेमॉन गेम से काफी अलग है। पहले एक टाइम पे पार्टिसिपेटिंग पोकेमॉन एक ही एक्शन ले सकता था, लेकिन पोकेमॉन लेजेंड्स आर्केस में पोकेमॉन के स्टैट्स ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने एक्शन एक पोकेमॉन ले सकता है और किसी भी ऑर्डर पर ले सकता है। तो तैयार हो जाइए नए स्टाइल से पोकेमॉन पकड़ने के लिए और पोकेमॉन बैटल करने के लिए। नंबर 9 पर है सीफू। ये एक एक्शन एडवेंचर स्टाइल वीडियो गेम है। ये एक कंग फू स्टूडेंट की कहानी है जो निकलता है उन 5 असैसिन्स को मारने जिन्होंने उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया था। इस गेम का कॉम्बैट स्टाइल काफी बढ़िया है और 150 से भी ज्यादा यूनिक अटैक्स हैं। आप अपने एनवायरनमेंट का फायदा उठाकर नए अटैक्स इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। ये गेम 8 फरवरी 2022 को। नंबर 8 पर है सन्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये एक हॉरर सर्वाइवल गेम द फॉरेस्ट का सीक्वल है। सन्स ऑफ द फॉरेस्ट 20 मई 2022 को सिर्फ पीसी पर रिलीज होगा। इस गेम का पहला ट्रेलर द गेम अवार्ड्स 2019 पे पहली बार डेब्यू हुआ था। फिर दिसंबर 2020 में इसका दूसरा ट्रेलर आया, जिसके बाद से फैंस बड़ी बेसब्री से इस गेम का इंतजार कर रहे हैं। ये गेम पहले 2021 में ही आने वाला था, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसका लॉन्च 2022 के लिए डिले कर दिया गया। नंबर 7 पर है ग्रैंड टूरिस्मो 7। इस गेम में पिछले ग्रैंड टूरिस्मो सीरीज के काफी गेम्स के काफी फीचर्स वापस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। जीटी सिमुलेशन मोड, जो कि क्लासिक प्लेयर कैंपेन फीचर है, वो भी फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस गेम में डायनेमिक टाइम एंड वेदर इफेक्ट्स काफी रियलिस्टिक हैं। गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छी है और PS5 पर यह गेम 4K रेजोल्यूशन और 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ हाई डायनेमिक रेंज या HDR सपोर्ट करेगा। ये गेम 4 मार्च 2022 को PS4 और PS5 पर लॉन्च किया जाएगा, जो कि पहला फर्स्ट मल्टी कंसोल इंस्टॉलमेंट इस सीरीज में होगा। नंबर 6 पर है Forspoken। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग स्टाइल वीडियो गेम है। इस गेम में कैरेक्टर एक ओपन वर्ल्ड गेम स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, जहां से वो किसी भी समय में और किसी भी जगह पर ट्रेवल कर सकता है। इस गेम की प्रोटैगनिस्ट फ्रे हॉलैंड एक यंग वुमन है, जिसे न्यूयॉर्क सिटी से फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ एथिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। अब उसे मैजिकल पावर से सर्वाइव करना है और अपने घर वापस जाना है। नंबर 5 पर है डाइंग लाइट 2 स्टे ह्यूमन। ये एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है, जो कि 2015 के गेम डाइंग लाइट का सीक्वल है। ये एक सर्वाइवल हॉरर स्टाइल वीडियो गेम है, जो कि जॉम्बी अपोकलिप्टिक थीम ओपन वर्ल्ड की कहानी है। इस गेम का एक नया प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है एडियन कॉल्डवेल, जो कि पार्कोवर स्किल से इक्विप्ड है। इस गेम का कॉम्बैट काफी ही रियलिस्टिक है, जो कि मिले वेपन्स को फीचर करता है। नंबर 4 पर है स्टॉकर 2 हार्ट ऑफ चेर्नोबिल। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है, जो कि स्टॉकर सीरीज का चौथा गेम है। ये गेम इनिशियली 2012 में रिलीज होने वाला था, पर एक स्कैंडल की वजह से इसका लॉन्च
कैंसिल कर दिया गया था। काफी फैंस को इस गेम का इंतजार था, जिस वजह से इस गेम को इस साल लॉन्च किया जाएगा। नंबर 3 पर है द डे बिफोर। ये एक ओपन वर्ल्ड स्टाइल सर्वाइवल गेम है। इस गेम में आपके दुश्मन सिर्फ ज़ॉम्बीज नहीं है, लेकिन वो सर्वाइवर्स भी हैं जो खाने, वेपन्स या कार्स के लिए आपको मार सकते हैं। ये गेम इनिशियली 2021 में लॉन्च होना था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इसको जून 2022 तक डिले कर दिया गया। इनिशियली ये गेम सिर्फ पीसी पर ही अनाउंस हुआ था, लेकिन कंसोल प्लेयर्स को ये जान के खुशी होगी कि ये गेम PS5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स के लिए भी रिलीज होगा। नंबर 2 पर है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। ये 2017 में आए होराइजन जीरो डॉन का सीक्वल है। इस गेम में पोस्ट अपोकलिप्टिक वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की कहानी है। इस गेम के प्रोटैगनिस्ट है अलॉय, एक हंट्रेस जो कि ऐसी दुनिया में रहती है जहां चारों तरफ डेंजरस मशीन्स ने कब्जा कर रखा है। इस गेम की ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और लाइटिंग इफेक्ट्स काफी हाइपर रियलिस्टिक है। ये गेम 18 फरवरी 2022 को रिलीज किया जाएगा। अब नजर डालते हैं ऑनरेबल मेंशंस की तरफ। टाइनी टाइनी वंडरलैंड्स, डेस्टिनी 2 द विच क्वीन, एलेक्स 2, क्रॉसफायर 10, द किंग ऑफ फाइटर्स 15 एंड द डेमिगॉड्स बिगन टू फॉल। और नंबर 1 पर है एल्डन रिंग। ये एक फैंटेसी एक्शन आरपीजी गेम है। Queen Mariko was driven to the brink. इस गेम में आप अपना खुद का कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं, जिसको आप अपने पसंदीदा वेपन्स, आर्मर और मैजिक के साथ इक्विप कर सकते हैं। इस गेम की स्टोरी काफी मल्टीलेयर्ड है, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बताई गई है, जिससे आप स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस गेम में मल्टीप्लेयर भी है, जहां आप दूसरे प्लेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ ट्रेवल कर सकते हैं। ये गेम 25 फरवरी 2022 को रिलीज होगा। गेमिंग से रिलेटेड और भी कंटेंट के लिए गिज़्मोमैन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। गुड बाय।